स्वागत है आपका रेसिपीज के खजाने यानी फूडी में। दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर, आलू किसी भी डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। आलू को लोग कई तरह से बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने शाही भरवा दम आलू ट्राई किया है? इसको चखने भर से ही आपकी भूख अपने आप ही कई गुना बढ़ जाती है। ये रेसिपी स्वाद में बेहद कमाल है, यही वजह है कि ये बच्चों की फेवरेट है। इसको आप घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये बनाने में भी बेहद आसान है, तो आइए जानते हैं शाही भरवा दम आलू बनाने का तरीका। सबसे पहले इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। शाही भरवा दम आलू बनाने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 आलू, 5 से 6 टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, 1 चम्मच अदरक बारीक कटी हुई, 3 चम्मच मैदा, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 200 ग्राम पनीर, 5 से 6 टेबलस्पून तेल, 1/2 कप बारीक कटे काजू, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 10 से 11 किशमिश, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 2 साबुत बड़ी इलायची और नमक स्वादानुसार। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। शाही भरवा दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को तोड़कर भुरभुरा कर लेंगे। अब इसमें अदरक, किशमिश, हरी मिर्च, नमक और बारीक कटे काजू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद उबले आलू लेकर उन्हें बीच से 2 भागों में काट लेंगे। फिर चाकू या किसी नुकीली चीज से आलू को खोखला कर लेंगे। इसके बाद आलू लेकर 1 चम्मच की मदद से इसमें स्टफिंग को खोखले वाले भाग में भरेंगे। अब मैदे में थोड़ा पानी, नमक डालते हुए घोल जैसा बनाएंगे। इसके बाद मैदे के इस घोल में स्टफ्ड आलूओं को डालकर लपेट लेंगे। अब इस आलू को धीमी आंच पर तेल में फ्राई कर लेंगे। आलू का रंग सुनहरा भूरा होने पर आंच बंद करके इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में तेल डालकर गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें जीरा डालकर तड़का लगाएंगे। इसके बाद इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची के दाने डालकर करछी की मदद से चलाते हुए भून लेंगे और फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर ऊपर से डालते हुए इसे थोड़ा और भूनेंगे। अब इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, काजू का पेस्ट डालकर अच्छे से चलाएंगे। साथ ही इसमें ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाला और तेल अलग अलग ना दिखाई देने लगे। इसके बाद इसमें नमक, कसूरी मेथी और 1 कप पानी डालकर अच्छे से इस ग्रेवी में आलू डालकर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने का इंतजार करेंगे। सीटी आने के बाद आंच धीमी करके आलू को 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद आंच बंद कर देंगे। करीब 20 मिनट के बाद कुकर को खोल सकते हैं। अब इस पर कटी हुई हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। इसके बाद आप इसे रोटी, पराठे और पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। ऐसे ही रेसिपीज के लिए फूडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।